हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन आईआईटी 2010। आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है द स्पीशी हैविंग पिरामिडल शेप। देखिए, अगर SO3 की बात करें तो हमें पता है कि सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, और अगर मैं बात करूं SO3 की तो SO3 इज लाइक दिस ना, ये रहा SO3। अगर मेरे को डायरेक्ट बनाना है फटाफट तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, ये रहा SO3। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, आपने मैक्सिमम सल्फर को 6 बॉन्ड बनाते हुए देखा है, SF6 में देखते ही हैं। सो यहां पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 SO3 का स्ट्रक्चर ये है। पिरामिडल शेप हम ढूंढ रहे हैं, यहां जो शेप आएगी बेटे दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए ना, सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और सिग्मा बॉन्ड्स जो है मैंने उनको ज्वाइन जब किया ये तो ट्राइंगल बन गया एक प्लेन में, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो आंसर है नहीं। BRFF की अगर बात करें तो बेटे BRF5 देखो, सबसे पहले मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इसका। ब्रोमीन के साथ एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक लोन पेयर। देखिए, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7। ब्रोमीन की यहां हाइब्रिडाइजेशन देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 मींस sp3d2। sp3d2 में जो ढांचा आता है वो ऑक्टाहेड्रल आता है बेटे, sf6 के जैसा, अगर आपको याद। So, BRF5 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो BRF5 का स्ट्रक्चर वुड बी समथिंग लाइक दिस। ऑक्टाहेड्रल टच देना है तो एक ये स्क्वायर सा बनाना पड़ेगा हमें, ये स्क्वायर सा बनाना पड़ेगा, और ये रहा लोन पेयर, ये रहा फ्लोरीन, राइट, दिस इज BRF5। इसकी अगर शेप कोई मेरे से पूछे कि शेप क्या आएगी, तो इसकी शेप आ जाएगी बेटा स्क्वायर पिरामिडल। इट्स शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, जबकि सवाल पूछा गया था सिर्फ पिरामिडल शेप पे। इसकी शेप तो स्क्वायर पिरामिडल आएगी, स्क्वायर बना हुआ है, और इसको अगर सबसे करेक्ट करूं तो ये पिरामिड बन रहा है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। एंड यहां एक और चीज बता देनी चाहता हूं, ये आईटी में क्वेश्चन आया था कि यहां पर बताइए 90 डिग्री एंगल कितने हैं BRF5 में, एक भी नहीं होगा। आप ये देखिए कि जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर एक्चुअली इन बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपेल करेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो लोन पेयर है BRF5 में, ये जो लोन पेयर पड़ा है ये इन सिग्मा बॉन्ड्स को ज्यादा रिपेल करेगा, इनको इनको ज्यादा रिपेल करेगा, इतना ये वाला बॉन्ड पेयर इनको रिपेल नहीं कर पाएगा, राइट। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो रिजल्ट क्या होगा कि जितने बॉन्ड्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो प्लेन में पड़े हैं, ये अभी तो ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे पड़े हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं पड़े रहेंगे, ये बेंड हो जाएंगे नीचे को, दे विल बी बेंडिंग डाउनवर्ड्स, बेंड हो जाएंगे लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएंगे ऐसे, देखिए। सो प्लेन में कोई भी 90 डिग्री एंगल नहीं रहेगा, ना ही ये एंगल 90 डिग्री है, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट 90 डिग्री, इट विल बी लेस देन 90 डिग्रीज, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन से ऐसे नीचे को बेंड कर गया, राइट। सो इसकी शेप जो आएगी वो तो स्क्वायर पिरामिडल आएगी। उसके बाद बात करी हुई थी SiO3 2-, ये भी एक ऑप्शन में था। देखिए, सिलिकन जो है ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, सो SiO3 2-, ये रहा, ये लीजिए, दिस इज SiO3 2-, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो 1, 2, 3, 4, 1 sigma 2 sigma 3 sigma, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये देखो ये। अब इसकी शेप जो आएगी दैट विल ऑल्सो बी ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज SiO3 2-, OSF2, ये रहा सल्फर, सल्फर के साथ ये रहा ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 यहां बॉन्ड बना गए, तीसरा ये, चौथा ये लोन पेयर। बताइए मेरे को, सल्फर की जो यहां हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, और इसकी जो शेप है दैट इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप ही ढूंढ रहे थे हम। देखिए, जब शेप देखनी है तो हमारा कंसेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स पे होना चाहिए, शेप सिग्मा बॉन्ड्स डिटरमिन करते हैं, एंड इट इज इन फैक्ट लाइक दिस। ये असल में ऐसे है, ऐसे अमोनिया का स्ट्रक्चर इज ऑल्सो लाइक दिस, यहां सेंटर में नाइट्रोजन, देन यू हैव 1 हाइड्रोजन हेयर, सेकेंड हेयर, थर्ड हेयर, ऊपर बड़ा होता है लोन पेयर, नाउ दिस इज अमोनिया, राइट, दिस इज अमोनिया, एंड सेम स्टैंड्स वैलिड फॉर SOF2। तो मैं होप करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया बताया वो समझ में आया होगा। दिस OSF2, दिस हैज पिरामिडल शेप, राइट, थैंक यू।